मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम श्रीवर्धमान अर्हन्तं नत्वा बाल प्रबुद्धये विरच्यते मिति स्पष्टे संदर्भे न्याय दीपिका महावीरं जिनं नत्वा बालानां सुखबुद्धये दीपिकाया विशेषार्था प्रकाशेन प्रकाशते। श्रीमद अभिनव धर्मभूषण यति विरचित न्याय दीपिका ग्रंथ, जिसमें प्रथम अध्याय अथवा कहें प्रथम प्रकाश, जिसका नाम है प्रमाण सामान्य प्रकाश, इसके आधार से इसमें जो वर्णित विषय है उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। प्रकरण अपना चल रहा है सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, प्रमाण का लक्षण क्या है, सम्यक ज्ञान। यहां पर अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं कि प्रमाण तो है लक्ष्य और सम्यक ज्ञान है उसका लक्षण। लक्षण के द्वारा ही लक्ष्य तक पहुंचते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। लक्ष्य तो है अपना मूल आधार और लक्षण है आधेय, अथवा जब लक्षण से लक्ष्य तक पहुंचना हो तब लक्षण बन जाता है आधार और लक्ष्य बन जाता है आधेय। विवक्षा कथन है, बात हमें करना है कि यहां जो प्रमाण का लक्षण किया जा रहा है यह लक्षण बिल्कुल सब तरह से सच्चा है, अच्छा है, समीचीन है। अभी जो इसके पूर्व में लक्षण का लक्षण बनाया था वह असमीचीन था, उसमें तीन तरह के दोष बताए गए थे, लेकिन यहां पर जो प्रमाण का लक्षण बनाया जा रहा है इसमें किसी भी तरह का कोई दोष नहीं आता, सर्व दोषों से रहित है, यह है अपना प्रमाण का लक्षण। क्यों है सर्व दोषों से रहित? क्योंकि सबसे पहला जो सम्यक पद है उस सम्यक पद से ही बहुत सारे दोष हटा दिए, निर्दोष कर दिया। कौन से दोष हटा दिए? संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय, तीनों की छुट्टी हो गई। किससे? सम्यक पद से, तीनों गए। अब बात चल रही है अपनी ज्ञान पद। ज्ञान पद से यहां क्या लेना, क्यों लेना और अन्य किसी चीज को क्यों नहीं लेना? ठीक है, ज्ञान पद से क्या लेना, क्यों लेना और अन्य किसी चीज को क्यों नहीं लेना, उसकी बात अपनी चल रही है। तो बात करते करते अपन पहुंचे से कि यहां पर ज्ञान पद से प्रमाता, प्रमिति और प्रमेय, इन तीनों का निराकरण किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि यहां जो ज्ञान पद है वह ज्ञान पद करण साधन रूप में यहां पर ज्ञान पद है। कौन से साधन रूप में?
करण साधन रूप ज्ञान पद से प्रमाता प्रमिति प्रमेय का निराकरण हो जाता है। कैसे हो जाता है? सबसे पहले अपन ने प्रमेय का निराकरण किया था, ठीक है, सबसे एकदम इजी था, उसका निराकरण करना ज्यादा कठिन नहीं है। कैसे? प्रमेय तो है गेय। प्रमेय क्या है? गेय है। गेय है अर्थात जानने योग्य है या जानने में आने वाली चीज है, अथवा कहें ज्ञान का वह विषय है, जैसे माइक है, ये क्या है? गेय है। क्यों? ज्ञान का विषय है, हम इसको जानते हैं, पंखे को जानते हैं, दीवाल को जानते हैं, आपस में एक दूसरे को जानते हैं, तो एक दूसरे को इधर उधर पंखे को जान रहे, खिड़की को जान रहे, वो स्पीकर को जान रहे, वो ढोलक को जान रहे, वो झांझर को जान रहे, झाझम क्या है, सबको जान रहे कि नहीं जान रहे? तो ये सारी चीजें जिन जिन को हम जान रहे, ये सभी क्या हैं? गे हैं। गे हैं इसका मतलब ज्ञान के द्वारा जानी जाती हैं। तो ज्ञान हो सकते हैं क्या? ये ज्ञान के द्वारा ये सभी जाने जाते हैं, तो क्या ये ज्ञान हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये तो ज्ञान के विषय हैं और जानने वाला है ज्ञान, इसलिए ज्ञान अलग है और ये गे सब अलग हैं। गे कहो, प्रमेय कहो, ज्ञान के विषय कहो, ये सब अलग हैं, इसलिए ज्ञान से प्रमेय चीजों का निराकरण हो गया। अब नंबर दो, किसकी बात? प्रमाता की बात। प्रमाता की बात भी अपन ने कल कर ली थी अच्छे से, इसके पहले जब चर्चा अपनी हुई। प्रमाता तो है ज्ञाता। प्रमाता कौन है? ज्ञाता, जानने वाला है। कौन है? जानने वाला है। और जो ज्ञाता है वह ज्ञाता ही है, जानने वाला है, करता है, लेकिन वह ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? क्यों नहीं है ज्ञान? हाँ, जो प्रमाता है उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, जो ज्ञाता है उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, ज्ञान भी है, दर्शन भी है, सुख भी है, वीर भी है, बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो इन सभी विशेषताओं का एक, समझ लो, इन सभी विशेषताओं का एक मालिक है, विशेष है वो पूरा। इसलिए प्रमाता तो ज्ञाता है, वह अलग चीज है, और ज्ञान एक तरह से देखें तो उसका जो प्रमाता का ज्ञाता का एक अंश रूप है, और असली में वही यहां पर करण साधन रूप से विवक्षित है कि जिसके द्वारा जाना जाए वह ज्ञान है, ठीक है। जैसे अपन उदाहरण के लिए समझें, छोटे छोटे उदाहरण से समझते हैं तो जल्दी ख्याल में आता है। अभी हमें क्या समझना है? प्रमाता और ज्ञान दोनों में अंतर, ठीक है। किन दो में अंतर? प्रमाता और ज्ञान में अंतर। तो प्रमाता, जैसे मान लो किसी भी एक व्यक्ति का नाम लिया, नमन का ही नाम लिया, मान लो कहाँ है नमन, है नमन ने माइक को छुआ। किसने? नमन ने माइक को छुआ। किससे छुआ? हाथ से छुआ, उंगली से छुआ, ठीक है। एक पॉइंट। नंबर दो, नमन ने जीव से चखा। नमन ने जीव से, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं माइक को चखा, कुछ भी चखे, दो पॉइंट हो गए। नंबर तीन, नमन ने नाक से सूंघा। किससे सूंघा? नाक से सूंघा। नंबर चार, नमन ने आंख से
पंखा देखा, कुछ भी देखा, देखा चार हो गए। नंबर पांच, नमन ने कान से सुना, प्रवचन सुना, अच्छी चीज बोलो। इतनी सारी चीजें हो गई। अब इसमें देखो, इन सब में कॉमन कौन है व्यक्ति? नमन। ये कौन हुआ? कौन हुआ इसमें? करता हुआ, ज्ञाता हुआ। करता हुआ, ज्ञाता हुआ, प्रमाता हुआ, क्या हुआ? करता हुआ, ज्ञाता हुआ, प्रमाता हुआ, सब एक ही बात है। उसमें कितनी सारी चीजें हैं? सारी चीजें उसमें हैं। सूंघने वाला भी वही और देखने वाला भी वही और चखने वाला भी वही, छूने वाला भी वही, सुनने वाला भी वही। उसमें तो इतनी सारी विशेषताएं हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर जो काम कर रहा है, सूंघने का काम, असलियत में तो नमन कर रहा है, लेकिन किसके द्वारा? अरे अभी यहां किसके द्वारा उदाहरण में? नाक के द्वारा। सूंघने का काम किसके द्वारा? नाक के द्वारा। चखने का काम जीभ के द्वारा। छूने का काम हाथ के द्वारा। देखने का काम आंख के द्वारा। तो जो ओरिजिनल जिस काम को करना है, देखने का काम करना है, तो आंख के द्वारा। माने असली साधन कौन है? माने जिस विषय को जानना है, जिस विषय के बारे में अपन बात कर रहे हैं, उसका असली डायरेक्ट मूल साधन कौन है? ठीक है, ये तो उदाहरण दिया था। उसमें असली जानने का काम तो कौन करेगा? ज्ञान करेगा। कौन करेगा? आत्मा ज्ञान से जानता है। तो असली जो करण है, साधन है, जानने का काम करने वाला है, वह कौन है? कौन है? ज्ञान है। ठीक है, इसलिए यहां पर जो ज्ञान है, ज्ञान साधन है, उसके द्वारा ही जानने का काम होता है। यहां पर वही ज्ञान लिया जा रहा है, वही साधकतम है। जानने में कौन साधकतम है? ज्ञान साधकतम है, उससे ही काम होगा। इसलिए यहां पर उसी साधकतम ज्ञान को ही लिया गया है। लेकिन ज्ञाता को नहीं, उसको ही कहते हैं प्रमाता, उसको ही कहते हैं कर्ता। इन सब का निराकरण हो गया। ठीक है, अब एक और बात आई थी फिर, किसकी बात? कि चलो प्रमाता का निषेध तो हो गया, लेकिन प्रमिति का निषेध कैसे करोगे? क्योंकि प्रमिति भी तो क्या है? सम्यक ज्ञानत्वम यहां आया था, शंका की थी। ननु प्रमिति कर्तु प्रमातु ज्ञातृत्वमेव न ज्ञानत्वमिति, यद्यपि ज्ञान पदेन व्यावृत्ति तथापि प्रमितिर ना व्यावर्तितुम शक्या। कहते हैं प्रमाता की तो व्यावृत्ति कर सकते हो ज्ञान पद से, लेकिन प्रमिति की नहीं कर सकते। क्यों? तस्या अपि सम्यक ज्ञानत्वादिति, उसके भी सम्यक ज्ञान पना होने से। तो कहा चेत भवे देवम, कोई बात नहीं, मान लेते हैं, तुम्हारी बात भी मान लेते हैं, सही है, भवेत एवं, ऐसा होना चाहिए। ओके, लेकिन कंडीशनल। क्या कंडीशन? यदि प्रमी, यदि भाव साधन में ज्ञान पदम, यदि यहां पर ज्ञान पद को भाव साधन से लेते हैं तब तो मान ले। कल बताया था भाव साधन क्या होता है, क्या होता है भाव साधन? क्या बोले? कारक कितने होते हैं? छह होते हैं। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अधिकरण में, पर सब जगह ज्ञान ने ज्ञान को ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के लिए ज्ञान से, और ज्ञान में ज्ञान पर। ठीक है, तो यहां पर सर्वत्र जो ज्ञान 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 है, इन सभी में, सभी में क्या है? जो
सब में ज्ञान 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 को माने, ये तो है भाव साधन। और जो जानने की जो क्रिया है वह क्या है, जानने की क्रिया है वह क्या है, जानने की क्रिया क्या है वह भी है भाव साधन। और जानने की क्रिया को ही यहां क्या कह रहे हैं, प्रमिति। जानने की क्रिया क्या है, तो जानने की क्रिया कहो ज्ञान का फल कहो एक तरह से एक ही बात है। कैसे, जो जान रहा है जैसे माइक को जान रहा है, जानने की क्रिया कर रहा है, तो जान रहा है और माइक को जान रहा है, ये माइक ऐसा जान रहा है, तो जानने की क्रिया हो रही है, ज्ञान का फल मिल रहा है कि माइक ही है और कुछ नहीं, तो ज्ञान का फल भी मिल गया। तो यहां ये कहना चाहते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से आदि सब में ज्ञान 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 है, और जो जानने की क्रिया चल रही है यही भी इसमें भी क्या है, सब में ज्ञान ही है। तो यहां पर यदि भाव साधन लेते हैं तो भाव साधन की दृष्टि से सब में ज्ञान फैला हुआ है, तब तो यहां भाव साधन लेते हैं तो उसमें तो सबके सब आ जाते हैं, प्रमिति भी आ जाएगी और भी आ जाएंगे सब, क्योंकि सब में ज्ञान ज्ञान है। लेकिन यहां भाव साधन ना लेकर कौन सा साधन लिया, कर्ण साधन। और कर्ण साधन कथंचित, कर्ण साधन कथंचित भाव साधन से भिन्न है। अच्छा बताओ कि आत्मा में कितने गुण चेतना युक्त हैं, बोलो आत्मा में कितने गुण चेतन है कितने अचेतन है, सामान्य रूप से देखा जाए तो सब के सब चेतन ही है, आत्मा खुद चेतन है पूरा का पूरा। लेकिन फिर भी कथंचित किसी अपेक्षा से ऐसा भी कहा जाता है कि ज्ञान मात्र उसका चेतन बना है, ज्ञान दर्शन ये तो है चेतन, और बाकी इसको यदि साइड में करो कथंचित तो बाकी सारे गुण कैसे हो गए, अचेतन। क्योंकि तो सुख अचेतन, जानता है क्या सुख, सुख जानता है नहीं जानता है, वीर जानता है नहीं जानता है, और भी जितने अनंत गुण हैं वे सब कैसे हो जाएंगे, कथंचित अचेतन, ज्ञान मात्र क्या है चेतन। तो यहां पर जो ज्ञान मात्र है वह चेतन है, माने यहां यदि ज्ञान को अपन देखें तो कथंचित वह ज्ञान, कथंचित वह ज्ञान कैसा है, भाव साधन से भिन्न है। जो अपन ने विभक्तियां गिनाई थी तो उन विभक्तियों में जो तीसरे नंबर की विभक्ति है कौन सी, करण से अथवा करण के द्वारा, तो वह जो करण साधन है वह अन्य सभी कारकों से कथंचित भिन्न है। थोड़ा सा कठिन तो लग रहा होगा लेकिन ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। कारक कितने, छह कारक, ठीक है। एक अपेक्षा से देखें तो सब एक ही में है क्योंकि एक ही वस्तु में सब कारक होते हैं, लेकिन जब इनकी परिभाषा बनाएंगे तो छहों की परिभाषाएं एक ही बनेंगी कि अलग अलग बनेंगी, अलग अलग बनेंगी ना, जब अलग अलग बनेंगी तो सब एक अपेक्षा से देखा जाए तो छह अलग अलग ही हुए कि नहीं हुए, एक अपेक्षा से तो छह अलग अलग हुए। तो जब छह अलग अलग हैं तो उनमें करण साधन जो तीसरे नंबर का है वह इन पांचों से अलग हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो यहां जो तीसरा जो करण साधन है वह वही करण साधन यहां पर ग्रहण किया गया है। तो यहां जो ज्ञान पद है यहां ज्ञान पद करण साधन पने से यहां पर कहा गया है, भाव साधन पने से नहीं। इसलिए ज्ञान पद जो करण साधन रूप है वह अपनी प्रमिति क्रिया के प्रति करण कहलाता है, बाकी अन्य सभी भाव साधनों को यहां पर गौण कर दिया गया है, उनको यहां पर नहीं लिया गया।
है। एक बार थोड़ा सा फिर से, कितना समझ में आया पता नहीं, फिर से देखना। दो साधन हैं, एक भाव साधन, दूसरा कर्म साधन। भाव साधन में देखो, ज्ञान ज्ञान को ही लो, एक ज्ञान है भाव साधन और एक ज्ञान है कर्म साधन। एक ज्ञान है भाव साधन और एक ज्ञान है कर्म साधन, ये छह हैं। कितने? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए उपादान से, अधिकरण में पर, ये छह। इन छह में सब में ज्ञान है, सब में ज्ञान है, तो सब में जो ज्ञान हुआ कॉमन हुआ वह तो हुआ भाव साधन। और कर्ता ने कर्म को करण से, जो तीसरे नंबर पर है करण, ये क्या है? करण साधन। ये कौन सा है? तो कथनचित यह करण साधन इन भाव साधन से अलग है, भिन्न है। उसका नाम ही अलग है, नाम भी अलग है, तो थोड़ा बहुत काम भी अलग है, क्योंकि वही वास्तव में करण साधन रूप ज्ञान ही असलियत में अज्ञान की निवृत्ति कराने वाला है। कौन सा? करण साधन रूप ज्ञान ही अज्ञान की निवृत्ति में साधकतम है। कैसा है? करण की परिभाषा पढ़ी होगी सबने, कहां पढ़ी? कौमुदी में पढ़ी, साधकतमम करणम। किस जो साधकतम होता है उसको क्या कहते हैं? करण कहते हैं। और यहां जो ज्ञान है वह साधकतम है, इसलिए वही यहां पर करण साधन रूप में विवक्षित है। उससे ही अज्ञान की निवृत्ति होती है। अन्य को यहां पर नहीं लेना, नहीं लेना। एक दो चीज और, कारक जो होते हैं वही कार्य को उत्पन्न करते हैं। कौन होते? कौन कार्य को उत्पन्न करने वाले? कौन होते हैं? कारक। नाम ही उनका कारक इसलिए है क्योंकि जो क्रिया को करे, जो क्रिया को करे उसका नाम है कारक। अब देखना, क्रिया क्या है? प्रमिति। क्रिया क्या है? देखा जाए तो कार्य को करने वाले तो हैं कारक छह, कार्य को करने वाले कारक छह और एक प्रमिति क्रिया। तो ऑटोमेटिक प्रमिति क्रिया तो वैसे ही काम करने वाली नहीं है वो। काम करने वाले कौन हैं? फिर से अच्छे से समझ लो, कार्य करने वाले कौन हैं? कारक। कार्य करने वाले कौन हैं? कारक। और प्रमिति क्या है? प्रमिति क्या है? वह क्रिया है। प्रमिति क्या है? वह क्रिया है। कारक है क्या वो? प्रमिति कारक है क्या? तो वैसे ही ऑटोमेटिक जो क्रिया है वह कारकों से भिन्न ठहरी। किससे भिन्न ठहरी? कारकों से भिन्न हो गई, तो कारक से वैसे ही अलग हो गई। अब जो कारक बचे उनमें से अपन को एक लेना है, कौन सा वाला? कर्ण साधन वाला लेना है। तो ऑटोमेटिक ही उसने क्रिया का भी निषेध कर दिया। कौन सी क्रिया का? प्रमिति क्रिया का। उसका भी निषेध हो गया और अन्य भी जितने कारक थे उनका भी ऑटोमेटिक निषेध हो गया। एक ही बचा असली काम का, कौन सा? करण साधन। अब एक दो और छोटे छोटे उदाहरण लेते हैं, अब उसमें से समझ में आ जाना चाहिए सबको, है ना। और नहीं आए तो फिर अपने अपने भाग्य का, लेकिन आएगा, कुछ नहीं है। देखो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं और उसमें अपने आप ही ऑटोमेटिक प्रमाता प्रमिति प्रमेय सारे के सारे एक साथ, एक ही साथ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है नमन? नमन ने क्या किया? नमन ने नाक से सूंघा। बीच में एक चीज और डाल देते हैं, नमन ने नाक से
फूल सूंघा, क्या सूंघा, चार चीज हो गई। ठीक है, संयम बिल्कुल समझ में आएगा। अभी अंतिम दाव है, इतने सारे तो लगा दिए, अब किस पे कितना पड़ा पासा पता नहीं, लेकिन ये अंतिम उदाहरण है और इससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि सब चीजें अलग अलग हैं, ज्ञान एक एकदम भिन्न है। जो यहां जो ज्ञान लिया है, कैसे, इन चार पॉइंट पे। नमन ने नाक से फूल सूंघा, नमन ने नाक से फूल सूंघा, चार हो गए ना। और अपने यहां कितने आदमी थे, प्रमाता, प्रमिति, प्रमेय और ज्ञान। प्रमाता, प्रमिति, प्रमेय और क्या है, ज्ञान, चार चीज है ना। कितने थे, चार ही थे, चार की बात चल रही ना इतनी देर से, चार यहां है और वही चार यहां है। देखना, नमन ने यहां क्या रखोगे, क्या रखोगे, है प्रमाता, नमन क्या है, प्रमाता कहो, ज्ञाता कहो, कर्ता कहो, ठीक है। एक अब बताना, ये चारों अलग अलग हैं कि एक ही है। ये नमन ने किससे, नाक से, किससे, ये क्या है, क्या है, कुछ भी बोल रहे हो, हाँ, ज्ञान की जगह से, के द्वारा, ठीक है। अपन ने अभी उसको सिद्धांत को और दृष्टांत तो दोनों ध्यान में रखना अलग अलग। ये नमन तो हुआ, ठीक है, प्रमाता कर्ता ज्ञाता। ये यदि अपन कारक में कहेंगे तो ये कौन सा कारक हुआ, कर्ता कारक, पहला वाला। और नाक से ऑटोमेटिक समझ में आता है, नाक से आ गया मतलब तृतीया साधन, असली साधन, करण साधन, ठीक है। नाक से ये हो गया करण, और क्या सूंघा, फूल, फूल क्या है, प्रमेय, फूल क्या है, प्रमेय, और सूंघा रमिति, क्रिया। अब बताओ, ये चारों चीजें अलग अलग हैं कि नहीं है। जब चारों चीजें अलग अलग हैं तो ज्ञान जो है, उस ज्ञान, ये जो कौन सा थर्ड नंबर, सेकंड नंबर, करण साधन, इसकी जगह कौन ले सकता है, कोई नहीं ले सकता। ये बिल्कुल अलग चीज है और ये तीनों चीजें अलग चीज हैं। इसलिए यहां पर जो करण साधन वाला ज्ञान लिया है वही वास्तव में असली साधकतम है। किसमें, किसमें साधकतम है, ज्ञान करने में, किसमें, ज्ञान करने में, सम्यक ज्ञान होने में, या प्रमिति क्रिया के प्रति जो भी साधकतम है, माने असली अज्ञान को दूर करने का, किसको, अज्ञान को दूर करने का असली साधकतम यदि इन चार में से कोई है तो कौन सा है, करण साधन रूप ज्ञान, सेकंड नंबर का, पहला गया, तीसरा गया, चौथा गया, बस एक सेकंड नंबर का जो बचा वही कौन सा, करण साधन रूप ज्ञान, वही यहां पर लेना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा पूरा जाना चाहिए अब तो। नमन आ गया, प्रमाता, प्रमिति, प्रमेय, तीनों की हो गई छुट्टी। अब यहां बस क्या लेना है, ज्ञान, बस ज्ञान। तो यहां पर अपनी वही बात चल रही थी, उन्होंने कहा कि यदि प्रमिति भी तो सम्यक ज्ञान पना है उसमें भी, तो कहा कि भवे देवम, ऐसा हो तो हो, यदि भाव साधन में है ज्ञान पदम, यदि यहां ज्ञान पद को भाव साधन लेते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कहते हैं करण साधनम खलु एतद् ज्ञायते अनेनेति ज्ञानम, यहां तो कौन सा साधन लिया गया है, करण साधन, और करण साधन का मतलब क्या है, ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जिसके द्वारा जाना जाए उसे ज्ञान कहते हैं। क्या बोले, जिसके
जिसके द्वारा जाना जाए उसे ज्ञान कहते हैं। तो वास्तव में असली ज्ञान तो वही है जिसके द्वारा जाना जाए, उसको ज्ञान कहते हैं। और यहां पर देखो आगे बता रहे हैं, प्रत्यय भी बता रहे हैं इसमें, कर्णाधारे चाणक्य। जैनेन्द्र व्याकरण में लिखा है करण और आधार अर्थ में अनट प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? अनट प्रत्यय होता है दो में, किसमें? करण अर्थ में और आधार अर्थ में। कर्णाधारी, करण में और आधार अर्थ में, दोनों में अनट प्रत्यय होता है। यद्यपि हमें आधार से ज्यादा चर्चा करना नहीं है, असली तो किसकी चर्चा करना है? करण। और वहां अनट प्रत्यय है करण में। इति करणे अपि अनट, इति करणे अपि अनट प्रत्यय अनुशासनात्। यहां करण में भी अनट प्रत्यय का अनुशासनात् माने अनुविधानात्, माने यहां पर करण में भी, किसमें? करण में भी अनट प्रत्यय का विधान है, माने यहां पर करण में अनट प्रत्यय लगा हुआ है। भाव साधनम तु ज्ञान पदम प्रमितिम आह। यदि यहां पर ज्ञान को भाव साधन रूप में लेते तो क्या बोल रहे हैं? भाव साधनम तु ज्ञान पदम, भाव साधन में ज्ञान पद को क्या कहते हैं? प्रमिति। भाव साधन में ज्ञान को क्या कहते हैं? क्योंकि भाव साधन तो सब में ज्ञान ज्ञान ज्ञान, सब में ज्ञान ज्ञान कॉमन है। तो यदि भाव साधन लेते तो ज्ञान पद क्या कहलाता? प्रमिति। वहां प्रमिति का निषेध नहीं कर पाते यदि कौन सा साधन लेते? भाव साधन लेते तो। लेकिन कह रहे हैं अन्यत ही भाव साधनात् करण साधनम पदम, कि भाव साधन से करण साधन पद कैसा है? अन्यत ही माने भिन्न है। किससे कौन भिन्न है? भाव साधन से करण साधन भिन्न है। हमारी आंख हमसे अभिन्न भिन्न है कि अभिन्न है? बोलो प्रियांश, हमारी जो आंख है वो हमसे भिन्न है कि अभिन्न है? सर्वथा नहीं, कथंचित भिन्न है कथंचित अभिन्न है। क्योंकि मैं देखता हूं ऐसा कहना और उसकी जगह मैं आंख से देखता हूं, दोनों में कुछ अंतर समझ में आता है? मैं देखता हूं और मैं आंख से देखता हूं। अपन जैसे कभी प्रूफ देना हो ना तो मैंने देखा था, हो झूठ बोल रहा, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा। किससे देखा? मैंने प्रूफ करने के लिए, बिल्कुल साधन, पक्का साधकतम क्या है? आंख। ठीक है, मैंने देखा उतनी बड़ी विशेषता नहीं, असली चीज क्या है? साधकतम आंख, आंख से देखा, अपनी इन आंखों से देखा। एक तरह से किसी अपेक्षा से आंख और शरीर दोनों एक वेग हैं, लेकिन किसी अपेक्षा से शरीर आंख से भिन्न है, क्योंकि मूल यह साधन है, कर्ण साधन है। ठीक है, और पूरा शरीर तो जो है सो है, तो पूरा अनेक चीजों का मालिक है शरीर। तो यहां भाव साधन भिन्न है और कर्ण साधन भिन्न है। एओ मेओ प्रमाण पदम अपि, प्रमाण पद को भी इसी तरह, प्रमाण पद को भी प्रमीयते अनेनेति कर्ण साधनम कर्तव्यम। प्रमाण जो पद है, कौन सा प्रमाण पद? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, जो प्रमाणम है ना, ये सम्यक ज्ञानम और ये प्रमाणम। प्रमाण पद की व्युत्पत्ति कैसी बनाना चाहिए? कैसी बनाई? प्रमीयते अनेनेति प्रमाणम, मतलब क्या हुआ? जिसके द्वारा जाना जाए उसे प्रमाण कहते हैं, जिसके द्वारा जाना जाए उसे प्रमाण कहते हैं।
और ज्ञान की क्या व्युत्पत्ति बनाई, ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जिसके द्वारा जाना जाए उसे ज्ञान कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है बताओ? जिसके द्वारा जाना जाए उसे ज्ञान कहते हैं, ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, और प्रमाण का प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, जिसके द्वारा जाना जाए उसे प्रमाण कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। माने लक्ष्य, जो लक्ष्य है वही लक्षण है, जो लक्षण है वही लक्ष्य है। आगे ना वही पॉइंट पे घूम फिर के, एक वही चीज पुरानी। अभी देखते हैं क्या नियम था, कुछ नियम ध्यान है पुराना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया है ना। सामानाधिकरण याद आया कुछ? लक्षण वचन, लक्ष्य वचन, धर्म वचन, धर्मी वचन, और अंश और अंशी, है ना। दोनों का प्रतिपाद्य अर्थ क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। दोनों का प्रतिपाद्य अर्थ एक होना चाहिए। तो यहां प्रमीयते प्रमाणम, प्रमीयते अनेनति प्रमाणम, और ज्ञायते अनेनति ज्ञानम, दोनों का अर्थ क्या है? एक है कि अलग अलग है? अग्नि कहो, उष्णता कहो, जीव कहो, ज्ञान कहो, दोनों एक ही है ना। घट कहो, कलश कहो, तो यहां कौन सा सामानाधिकरण बन रहा है? सामानाधिकरण कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के, शाब्दम अर्थं चेति, शाब्द सामानाधिकरण और अर्थ सामानाधिकरण। तो अर्थ की तो अपन को चर्चा नहीं करना है, साइड में रख दो। कौन सा सामानाधिकरण? शाब्द सामानाधिकरण। तो शाब्द सामानाधिकरण का मतलब क्या था? दोनों का प्रतिपाद्य अर्थ एक होना चाहिए। तो हो रहा है कि नहीं? ज्ञायते अनेनति ज्ञानम और प्रमीयते अनेनति प्रमाणम, दोनों में क्या भिन्न है? कुछ भी भिन्न नहीं, दोनों का अर्थ एक ही है। प्रमीयते अनेनति प्रमाणम ये क्या है? लक्षण है कि लक्ष्य है? बोलो। प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम ये क्या है? लक्षण है कि लक्ष्य है? ये लक्ष्य है। प्रमाण क्या है? लक्ष्य है। और ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम ये क्या है? उसका लक्षण है। तो जो लक्षण जो कह रहा है वही लक्ष्य कह रहा है, जो लक्ष्य कह रहा है वही लक्षण कह रहा है। दोनों अलग अलग कह रहे क्या? प्रमाण कह रहा है माइक और ज्ञान कह रहा है माइक, क्या बोले? प्रमाण कह रहा है माइक और ज्ञान कह रहा है माइक, दोनों बातें एक हुई कि नहीं हुई? तो दोनों का प्रतिपाद्य अर्थ है एक ही हुआ। प्रमाण का जो प्रतिपाद्य अर्थ है वही ज्ञान का प्रतिपाद्य अर्थ है, जो ज्ञान का अर्थ है वही प्रमाण का अर्थ है। इसलिए दोनों में कौन सा सामानाधिकरण है? शाब्द सामानाधिकरण है। बात बन गई अपनी? यहां पर यही कह रहे हैं कि यदि एवमेव प्रमाण पदम अपि प्रमीयते अनेनति प्रमाण, प्रमीयते अनेनति करण साधनम कर्तव्यम, कि जो प्रमाण पद है उसको भी प्रमीयते अनेनति प्रमाणम ऐसा करण साधन करना चाहिए। प्रमाणम में भी करण साधन है और ज्ञानम में भी करण साधन है। अन्यथा सम्यक ज्ञान पदेन सामानाधिकरण अघटनात्, अन्यथा सम्यक ज्ञान पद से सामानाधिकरण घटित नहीं होता। लेकिन यहां पर तो हो गया। कैसे हो गया? कैसे हो गया? ज्ञान भी कौन सा साधन है? करण साधन। और प्रमाण भी कौन सा साधन है? करण साधन। और दोनों का अर्थ कैसा है? एक ही है कि अलग अलग? एक ही है। जब एक ही है तो दोनों कैसे हुए? एक ही हुए। जैसे बताया था ना, खारा कहो चाहे नमक कहो, दोनों अलग अलग है कि एक है?
प्रमाण की जगह रखना, नमक किसकी जगह, प्रमाण की जगह, और उसका लक्षण क्या है, खारापन, ये किसकी जगह रखना, ज्ञान की जगह। तो खारा कहो तो क्या कह दिया, नमक, और नमक कह दिया तो खारा। ऐसे ही ज्ञान कहो तो प्रमाण, और प्रमाण कहो तो ज्ञान, दोनों एक ही बात है। इसलिए यहां पर दोनों में शाब्द सामानाधिकरण घटित तो होता है, इसलिए यहां कौन सा दोष नहीं आएगा, कौन सा नहीं आएगा, याद करो पुराना थोड़ा, असंभव दोष नहीं आएगा, क्योंकि उनके असाधारण धर्म वचनम में अपन ने असंभव दोष लगाया था, तो कौन सा क्या किया था वहां पर, कि इनके में शाब्द सामानाधिकरण घटित नहीं होता, इसलिए यहां कौन सा दोष है, असंभव दोष, लेकिन अपने यहां तो नहीं लग रहा। अच्छा, यहां तो ये घटित किया नहीं ना, अव्याप्ति अतिव्याप्ति संभव। अच्छा, कोई घटित करके बता दे इनमें अव्याप्ति अतिव्याप्ति संभव, लगाओ। जैसे उनके असाधारण धर्म वचनम में अव्याप्ति था, क्योंकि वह लक्ष्य के एक देश में जाता था। अपना बता दो, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, हमने कहा प्रमाण का लक्षण है सम्यक ज्ञान, अव्याप्ति दोष दिखाई दे रहा है कहीं, पूरे के पूरे जैसा लक्षण है वो पूरे लक्ष्य में जाता है, कंप्लीट। शक्कर के दाने दाने में मिठास है, कण कण में मिठास है, नींबू के कण कण में खटास है, नमक के कण कण में खारापन है कि नहीं है, कहीं कोई अंतर आ जाए, कोई अंतर नहीं है। तिल 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 में पूरे के पूरे में तेल है कि नहीं है। ऐसे ही प्रमाण में पूरा का पूरा ज्ञान भरा हुआ है, और जहां ज्ञान है वहां पूरा का पूरा प्रमाण है, दोनों बिल्कुल एक मेक है, कोई अंतर नहीं है। तो अव्याप्ति तो नहीं हो रहा है, क्योंकि एक देश में जाता, जो ज्ञान जो सम्यक ज्ञान जो लक्षण बनाया प्रमाण के किसी एक देश में जाता तो क्या होता, अव्याप्ति, लेकिन हो ही नहीं रहा है। अच्छा, अतिव्याप्ति भी हो सकता था, कब, के प्रमाण में भी जाता अपने लक्ष्य में भी, और प्रमाणाभास में भी जाता अलक्ष्य में भी जाता, तो उसमें कौन सा दोष लग जाता, अतिव्याप्ति, लेकिन ये तो प्रमाणाभास में जाते ही नहीं। जैसे जीव का लक्षण ज्ञान बनाया तो जीव में भी जाए और पुद्गल में भी जाए, जाता है नहीं जाता। अग्नि का लक्षण उष्णता बनाया तो अग्नि में भी जाए और पानी में भी जाए, तो अतिव्याप्ति हो, लेकिन यहां कुछ नहीं हो रहा है। जो सम्यक ज्ञान जो लक्षण बनाया प्रमाण का, वह अपने में ही रहता है, बाहर किसी में कब्जा भी नहीं करता, दूसरे के घर में नहीं जाता, इसलिए यहां अतिव्याप्ति भी नहीं और असंभव तो है ही नहीं, क्योंकि शब्द सामानाधिकरण घटित हो रहा है, इसलिए असंभव दोष भी नहीं है, तो कोई दोष नहीं। तो अब इसको गलत करके बता दे, कोई हो ही नहीं सकता, एकदम एक्यूरेट परफेक्ट लक्षण यदि है तो यही है सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। अब देखो, तेन प्रमिति क्रियाम प्रति यत् करणम तत् प्रमाणमिति सिद्धम। जैसे भौतिक रूप सिद्ध होता है ना, कनिष्ठ में पहली बार इतना मजा आता, अरे शांति मिल गई, पढ़ लिया भवती, नहीं पढ़ा, शुरू शुरू में तो इतनी टेंशन होती है भौतिक सिद्ध करने में, है ना, सबके कोर्स में तो ठीक है, वरिष्ठ में, अच्छा चलो, नहीं तो शुरू ऐसे हो, वर्तमाने लट भू सत्तायाम धातो वर्तमाने लट इति इतनेन लट, ये सब सब शुरू शुरू से करते जाओ, फिर तिप्त जी सिप्त तिप प्रत्यय का आगम, और फिर उसमें और भी कितने सारे सूत्र, और उधर अनुबंध लोग कर दो, फिर क्या करते हैं, कहाँ कहाँ खर्व साणियों विसर्जनियम सर धातु कर धातु कहो, फिर उधर जब घूम फिर के वो ऊ को ओ हो जाएगा, ओ को अ हो जाएगा, और फिर भवती मिल के इति भवती ती रूपम सिद्धम, क्या मजा आता है।
जब पहली बार वो समझ में आती है ऐसा लगता है अरे बहुत बड़ा काम कर लिया है ना। भू और वहां ते प्रत्यय लगा के और 6-7 सूत्र लगा लगा के धीरे धीरे अंत में पहुंचते हैं, और भक्ति जोड़ के ऊपर भी लिखा ही था और पूरी मेहनत करते रहे दिमाग खराब, और नीचे भी वही लिखा, क्या फायदा हुआ? अब वो तो वही जाने जिसको फायदा हुआ है ना। लेकिन देखा जाए तो सीधा का सीधा ऊपर भक्ति लिखा था, अब नीचे भक्ति लिखने में जान खाली है नहीं खाई, मैंने ऊपर भक्ति लिखा ही था तो काम तो वही हो गया था, लेकिन वो भक्ति ऊपर जो लिखा है वो पेज के अंत में भक्ति लिखने के लिए कितनी माथा फोड़ी हो जाती है, वहां से लेके फिर उसको ये दो बनाओ, फिर तीसरा जोड़ो, फिर इसका आगम उसका आगम, इसको ये करना उसको वो करना, और घुमा फिरा के लिखना अंत में वही चीज है, क्या लिखना है? तो काहे को इतनी मेहनत की जब इतना सब नीचे लिखना वही, कुछ नया करते तो काम का था। क्यों तुमसे कहा जाए कि लो एक गिलास पानी, प्यास लगी ना पी लो, रुक जा अभी मत पीना, क्यों अभी रुको, ये स्टील का गिलास है, ये पानी है द्रोधाम की वहां से आया है, कुआं का नहीं है, बोरिंग का भी नहीं है, हैंडपंप का भी नहीं है, नहीं वहां का नहीं है, वो नाली का भी नहीं है, सारे बहुत सारी चीजें बता दी 10-20 चीजें, और घूम फिरा के इससे नुकसान भी नहीं होगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, चलो अब पी जाओ, क्या फायदा हुआ? पहले ही पिला देते फुर्सत, इतनी राम कहानी सुना दी। ऐसा होता है बहुत ही सब, लेकिन एक एक शब्द है कैसे कैसे बनते हैं वो बताया जाता है। तो यहां पर भी सिद्ध वही किया है, क्या बता दिया, तेन प्रमिति क्रियाम प्रति यत करणम, जो प्रमिति क्रिया के प्रति क्या होता है करण होता है, करण माने साधन होता है, प्रमिति क्रिया माने जो समीचीन क्रिया है उसके प्रति जो साधक तम होता है, तत्प्रमाणमिति सिद्धम, उसे प्रमाण कहते हैं, ये सिद्ध हो गया। तदुक्तम प्रमाण निर्णय, प्रमाण निर्णय ग्रंथ है उसमें लिखा है, इदमेव ही प्रमाणस्य प्रामाणत्वम् यत् प्रमिति क्रियां प्रति साधकतमत्वेन करणत्वम्। क्या मतलब हुआ, इदम एव ही, यह ही, इदम एव, यह ही, और ही का मतलब अलग है, एव का मतलब ही और ही का मतलब वास्तव में, प्रमाणस्य प्रमाणत्वम्, प्रमाण का प्रमाणपना क्या है, यत् प्रमिति क्रियां प्रति साधकतमत्वेन करणत्वम्, जो प्रमिति क्रिया के प्रति साधकतम हो। देखो यहां एक शब्द जो है बहुत गहरा है, साधकतम, जो साधक होता है और एक साधकतम होता है, बहुत अंतर है दोनों में, होने को तो एक साधक तर भी होता है, तीन तीन आइटम होते हैं छोटू, कितने आइटम, तीन आइटम, एक होता है, एक होता है साधक और एक साधक तर और एक साधकतम, इन तीनों में से बताओ असली काम करने वाला असली चीज कौन सी है, साधक। बिल्कुल नियम से गारंटेड काम करेगा ही, बिल्कुल अचूक रामबाण उपाय साधकतम, मैंने नियम से जो काम करे ही करे साधक, और उसमें भी साधक नियम से जो काम कराने वाला हो उसको साधकतम कहते हैं। यहां जो ज्ञान है अथवा प्रमाण है नियम से हमारा काम कराता है, प्रमिति क्रिया के प्रति करण होता है, अज्ञान की निवृत्ति कराने वाला होता है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला होता है, इसलिए उसको साधकतम कहा। प्रत्यक्ष निर्णय पृष्ठ क्रमांक 1 में है, जैसे अपने है ना
परमाणु सामान्य प्रकाश, फिर प्रत्यक्ष प्रकाश, परोक्ष प्रकाश, ऐसी वो किताब है प्रमाण निर्णय। उसमें उसके भेद होंगे अंदर प्रत्यक्ष निर्णय और जो भी निर्णय। अब डिटेल अपन को नहीं पता, उसमें अपन ने कह दिया जो भी होगा भेद। अब इसमें एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया है प्रश्न करने वाले ने, ननु हैं बहुत सारे, अभी फिर आ गया ननु। ठीक है, क्या प्रश्न किया? प्रश्न करके छोड़ देते हैं ना, नींद नींद आने लगी होगी है ना, क्यों? सही है, प्रश्न है ननु एवं, ननु एवं अपि अक्षलिंगादौ अतिव्याप्ति अतिव्याप्ति लक्षणस्य तत्रापि प्रमिति रूपं फलं प्रति करणत्वात् दृश्यते ही चक्षुषा प्रमीयते धूमेन प्रमीयते शब्देन प्रमीयते इति व्यवहार इति चेत। पहले इतनी समझ लो, बाद का तो बाद में देखेंगे। क्या बोले? ननु मन शंकाकार जिज्ञासु शंका कर रहा है, कह रहा है कि आपने कहा कि आपका जो ज्ञान है सम्यक ज्ञान है वही ज्ञान कराता है, ज्ञान से ही काम होता है, बाकी अन्य किसी से नहीं होता। असली साधकतम तो ज्ञान है। तो कहता है कि ननु एव अपि अक्षलिंगादौ अपि अतिव्याप्ति। कहते हैं गजब करते तुम, कहते ज्ञान से ही बस काम होता है, लेकिन अक्षलिंगादौ ये भी तो जानने का काम करते हैं। अक्ष माने आंख, अक्ष माने आंख भी होती है और अन्य इंद्रियां भी उसमें आ जाती हैं। ठीक है, अक्ष अक्षम अक्षम प्रति प्रत्यक्षम आएगा। ठीक है, हाँ आत्मा भी होता है ना, अक्ष माने आंख भी होता है इंद्री भी होता है ना, हाँ इंद्री है तो आंख आई है इसमें। तो अक्ष लिंगादौ, अक्ष माने आंख से जानते हैं या इंद्रियों से जानते हैं, लिंगादौ माने किन्हीं प्रकार के चिन्हों से जानते हैं, साधनों से जानते हैं, जैसे धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, होता कि नहीं होता है? आंख से भी ज्ञान होता है, कान से भी ज्ञान होता है, सुनते हैं तो ज्ञान होता ही है, नाक से भी ज्ञान होता है, सूंघते हैं तो ज्ञान ही तो हुआ गंध और सुगंध दुर्गंध का, जिह्वा से भी ज्ञान होता है, इन सब से ज्ञान होता है, चश्मे से भी ज्ञान होता है, नहीं होता? उनसे ही पूछो जिनको चश्मे की बहुत जरूरत है, वो बताएंगे चश्मे से ज्ञान होता है। अन्य लोगों को थोड़ी महिमा आई, अपन को महिमा नहीं आती क्या? चश्मे से, चश्मे से क्या ज्ञान होता है? जिनका अच्छा नंबर हाई पावर का हो, चश्मे बिना रहा ना जाए, उनको भी नाम भी क्या दिया है संस्कृत में? उपनेत्रम। क्या नाम दिया है? अपने चश्मे को उपनेत्रम। ये अंदर के नेत्र और ये उपनेत्र हैं, नेत्रों के जो समीप हो उसको उपनेत्र कहते हैं। तो क्या बोले यहां? वो कह रहा है कि अक्षलिंगादौ इनसे भी ज्ञान होता है, इसलिए यहां पर अतिव्याप्ति दोष आता है। कैसे आ गया अतिव्याप्ति दोष? किस में आ गया? अपन अभी क्या कह रहे थे, किससे जानते हैं? ज्ञान से जानते हैं, प्रमाण से जानते हैं। उन्होंने कहा आप कहते हो ज्ञान से जानते हैं, प्रमाण से जानते हैं, ठीक चलो मैं मान लिया। जैसे आपने कहा था भवे देवम, तो हम भी कहते हैं भवे देवम। क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, तुम्हारी बात सही है, प्रमाण से जानते हो, ज्ञान से जानते हो, लेकिन मेरी बात सुन लो, इंद्रियों से भी तो जानते हैं।
धुएं से भी जानते, धुआं देखा तो जानते कि नहीं क्या होगा वहां, अग्नि है तो जानते कि नहीं जानते। बहुत सारी चीजें हैं, यहां देखो उदाहरण भी दी है, नीचे दिया है उदाहरण दिए ना, यहां चक्षु सा प्रमीयते, चक्षु के द्वारा जाना जाता है, धूमेन प्रमीयते, धुएं के द्वारा जाना जाता है, शब्देन प्रमीयते, शब्दों के द्वारा भी जाना जाता है, किसी ने कुछ शब्द बोले तो अपन जान लेते हैं कि क्या बोला, अपन कोई चीज ढूंढ रहे थे और किसी ने कहा कि घी वहां रखा है, अपन घी ढूंढ रहे थे क्यों, हेलो जय जिनेंद्र, यही हो, चलो कोई बात नहीं। तो क्या बोले, जैसे अपन कोई चीज ढूंढ रहे थे ना और किसी ने कह दिया, अपन जैसे कॉपी ढूंढ रहे थे तो इसने कहा कॉपी उस टेबल पर है, तो जाना कि नहीं, जाना कि नहीं, सोच रहा है, सोच रहे हो तुम, फिर क्या कर रहे हो। उसने शब्दों से कहा कि कॉपी वहां रखी है तो हमें पता चल गया कि नहीं, तो शब्दों को सुनकर जाना के नहीं, तो शब्दों से ज्ञान हुआ के नहीं, सीधा स्वीकार करो ना। तो यही कह रहा है कि आप कहते हो बस ज्ञान से जानते हैं, ज्ञान से जानते हैं, ज्ञान से जानते हैं, प्रमाण से जानते हैं, प्रमाण से जानते हैं, अरे इन सारी चीजों से भी तो जानते हैं। तो आपका जो लक्षण है कौन सा, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, यह लक्षण अपने प्रमाण रूप लक्ष्य में तो जाता ही है, इसमें प्रमाण रूप लक्ष्य में तो जाता ही है, लेकिन किसमें और गया, इंद्रियादिक में भी गया, अक्षलिंगादिक में भी गया, इसलिए यहां पर कौन सा दोष लगेगा, अतिव्याप्ति। देखो अपन तो बचा रहे थे कि ना अव्याप्ति है ना अतिव्याप्ति है और ना असंभव है, तो आदमी आ गया, अरे रुक जाओ चिंता मत करो मैं बताता हूं इसमें कौन सा दोष है, अतिव्याप्ति दोष है, लक्षण इसमें भी जा रहा है और उसमें भी जा रहा है, अब बोलो ठीक है। अभी इतना ही छोड़ते हैं अपन प्रश्न, उसने अतिव्याप्ति दोष लगा दिया। अब थोड़ा सा अच्छे से कल जागरूक होके तैयार होके आना है कि उसने जो आरोप लगाया है, दोष लगाया है, उस दोष का हम कैसे खंडन करें और अपनी बात को कैसे सिद्ध करें कि यहां पर कोई दोष नहीं लगेगा, हमारा लक्षण पूर्णतः निर्दोष है, कोई अतिव्याप्ति नहीं है, लेकिन कैसे नहीं है उसके लिए सारे लॉजिक इकट्ठे करना पड़ेंगे और उनकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी समय हो गया, यहीं विराम लेते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप।